नए सीबीडी बेलापुर में आज 4000 से ज्यादा युवक और युवतियां रैली में शामिल हुए, जिसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी शामिल थे। इस रैली में नवी मुंबई पुलिस की ओर से आयोजन किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि नागरिकों के साथ ही हमारे युवा पीढ़ी को भी ये बताया जा सके कि आतंकवाद क्या है और नागरिक किस तरह सतर्क रहकर अनैतिक तत्व के मंसूबों को नाकाम कर सकते हैं। यही जानकारी देनी थी। और नवी मुंबई पुलिस की बात की जाए तो कुछ हद तक नागरिकों को जानकारी देने में नवी मुंबई पुलिस सफल भी रही है। दहशतवाद विरोधी सप्ताह चालू है हमारे परिमंडल एक में, हमारे डीसीपी साहब के आधिपत्य के बीच है और हम लोग विद्यार्थी की रैली कर रहे हैं। अवेयरनेस होना चाहिए, विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए अतिरिक्त हल्ला होगा तो क्या करने का हमें और कैसे करने का। तो ये संदेश देना कि वी आर सेफ इन न्यू मुंबई और जैसा ही मुकाबला किसी भी चीज का हो जाएगा तो हम मुकाबला करने के लिए विद्यार्थी के साथ हम तैयार है। सतर्क रहने के लिए नागरिकों जो भी कुछ मालूम होता है वो सब इमीडिएट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, आजू बाजू का इन्फॉर्म करो और हम साथ में जाके वो मुकाबला करने के तैयार है। इस रैली में युवक और युवतियों से बात की गई तब उनका यही कहना था कि नागरिकों में जागरूकता के लिए और युवा पीढ़ी को जानकारी देने के लिए अगर सरकारी मशीनरी इसी तरह प्रोग्राम करती रही तब समाज में लोग सजग होंगे और फिर आतंकवादियों के मंसूबे भी कभी कामयाब नहीं होंगे। है हमें कॉलेज से इधर बुलाया है क्योंकि लोग देख रहे हैं, उन्हें पता है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कॉलेज छोड़ के रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो शायद जागरूकता बढ़ेगी। कुछ तो जागेंगे जरूर, कुछ जागेंगे जरूर। ये तो शुरुआत है, हम एक कॉलेज की इतना सारा कर सकते, इतने सारे लोग निकल सकते, तो ऐसे हमें देखकर और भी शुरुआत है। इसके बाद और बहुत पूरा कंट्री आएगा और सबको ये मैसेज देगा। फाइट अगेंस्ट कैमरा पर्सन विनय दुबे के साथ शमा खान, द टाइम्स 24x7 न्यूज़ मुंबई।